नमोस्तु गुरुदेव। भावना योग में मन का क्या महत्व है? देखिए, पहले भाव और मन दोनों को समझिए। भाव है क्या? भाव विचार, और विचार के अनुसार हमारी होती प्रवृत्ति। भाव हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों की अभिव्यक्ति का नाम है। हमारे चित्त में जो भी संस्कार हमारी चेतना में पड़े हैं, जमे हुए, वो जो उभरते उनको बोलते भाव। और यही भाव हमारे विचारों को जन्म देता है, जिसका आधार हमारा मन है। और जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसी हमारी प्रवृत्तियाँ होती। तो हम भावना योग जब करते हैं तो अपने संस्कारों का शोधन करते हैं, जिससे भावों में शुद्धि होती है। भाव शुद्धि से विचारों में शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि से प्रवृत्तियाँ सुधरती हैं, और प्रवृत्तियों के सुधार से जीवन सुधरता है।